लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिए बयान पर राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा पलटवार कर कांग्रेस को कभी माफ नहीं करने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन धर्म की रक्षा राजा महाराजाओं ने की है, न कि किसी की जमीन अपने कब्जे में ली है। श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी अब कितनी भी माफी मांग ले, राजपूत समाज उन्हें माफ करने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा कि भारत के राजा महाराजा गरीबों की जमीन छुड़ाते थे, कब्जा करते थे। कौन से राजा महाराजा? जो भगवान राम के राजा रामचंद्र की परंपरा के वाहक है वो? अरे क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। ये विषय मैं बिल्कुल नहीं लाना चाहता था क्योंकि लोग इसको चुनावों से जोड़ेंगे, पार्टी से जोड़ेंगे। राजपूतों के संगठन पार्टी विशेष से अपने आप को इस समय नहीं जोड़ना चाह रहे, लेकिन तुम जैसे लोग यदि ऐसे छींटाकसी करेंगे हमारे आदर्शों पर। गंगा सिंह ने गंग नहर बनवा दी पूरा रेगिस्तान पार करके, जसवंत सिंह जोधपुर वालों ने कराची तक रेलवे लाइन डलवा दी। किस गरीब की जमीनें घेरी रेगिस्तान में? कौन से किले बनाने के लिए गरीबों की जमीनें घेरी गई? लेकिन नहीं। तो मैं ना चाहते हुए भी बता रहा हूं कि ये चेतावनी मत समझिए इसको, ये तो सत्य है कि भारत का राजपूत समाज जिसने अपने किले जमीनें सीलिंग में दे दी, भारत के निर्माण के लिए दे दी, अपने राज्य दे दिए, वो आपको इस चुनाव में 100% सबक सिखाने वाला है। क्योंकि ऐसे लोग यदि सत्ता में आ गए तो भारत का तो मूल जो पुरातन व्यवस्था है, सनातन व्यवस्था है, उसको ही खा जाने वाली बात करते हो तुम। तो हमेशा आप कितनी भी माफी मांगिएगा, माफ तो करने वाला है नहीं ये सनातन समाज। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के राजपूत समाज पर दिए बयान से समाज में आक्रोश है। अब देखना होगा कि कांग्रेस उन्हें कैसे मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, भोपाल।